वेलकम टू माय चैनल सुनील टेक्निकल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपका बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट जो है कि यूको बैंक में है एंड आपका जो है कि यूको बैंक आपके घर से थोड़ा दूर है एंड आपके यहाँ पे अगर जॉब लग जाती है तो आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आपका बैंक अकाउंट मतलब बहुत दूर पड़ता है घर से, तो वहाँ पे आपका आना जाना बहुत दूर पड़ता है। तो आपका मतलब जो बैंक है यूको बैंक, तो मतलब उसकी जो है दूसरी ब्रांच है उसमें आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए किस तरह आसानी से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपकी जॉब लगती है तो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो या फिर आप नया घर लेते हो या फिर आपके घर से दूर पड़ती है ब्रांच, तो यहाँ पर आपको जो है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है और आपको देना होता है बैंक के अंदर और बोलना पड़ता है उनको कि हमारी जो है कि इस अकाउंट को, हमारा अकाउंट को इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दीजिए और हमें जो है कि हमारी जॉब लग गई है, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं तो हमें वहाँ की लोकेशन में अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए हमारी ब्रांच जो है आपकी ब्रांच में, ठीक है। आप बैंक आपका ही रहेगा, यूको बैंक ही रहेगा, ब्रांच ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा डिटेल में किस तरह लिखना होगा और बैंक में आपको सबमिट करना होगा और उसके चार्जेस लगने वाले या नहीं लगने वाले वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सुनील टेक्निकल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस बेल आइकन बटन पे क्लिक कीजिए मोर वीडियोस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनील टेक्निकल। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूको बैंक की। अगर आपका बैंक यूको बैंक में अकाउंट है आपका, ठीक है, और आप अपने जो है कि घर से काफ़ी दूर पड़ता है या फिर आपका जॉब ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, तो आपकी ब्रांच अकाउंट आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं सेम बैंक में और अनदर ब्रांच में, ठीक है, मतलब इसी बैंक में अकाउंट आपका रहेगा लेकिन इस बैंक की जो दूसरी ब्रांच है वो आपके घर के पास पड़ती है और जहाँ पर आप रहते हो लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप रहते हो वहाँ पर पास में पड़ती है, ठीक है। जैसे आपकी जॉब लगती है, आप कहीं ट्रांसफ़र होते हो घर से या फिर नया घर आप लेते हो जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं बताने वाला हूँ यूको बैंक का, आज सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर आपको यूको बैंक में क्या क्या किस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा और किस तरह उनको सबमिट करना होगा बैंक में जाकर, और आपको जो है कि बैंक ब्रांच ट्रांसफ़र कब तक मिलेगा, वो सारी डिटेल हम जानते हैं एंड आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर यूको बैंक वाले, ठीक है, या फिर एनी वन बैंक वाले, जो भी है सबकी एक ही प्रोसेस है लेकिन मैं यूको बैंक की बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूको बैंक वजह से आप जो है कि यहाँ पे एक जगह पहले रहते हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से आप दूसरी जगह जाते हो, आप नया घर लेते हो दूसरी जगह जाते हो या फिर आप कोई जॉब लग गई आपकी बैंक जॉब ट्रांसफ़र हो गई आपकी, तो आपको जो है कि जो लोकेशन पे आपका बैंक था अकाउंट था उस बैंक लोकेशन पे आपका घर काफ़ी दूर पड़ता है और उसी नाम का मतलब उसी नाम की ब्रांच, उस बैंक की दूसरी ब्रांच जो आपके घर के पास में पड़ती है, तो आपको जो दूर है ब्रांच आपकी उसको अपने पास वाले बैंक अकाउंट में ब्रांच में ट्रांसफ़र कराने के लिए वो प्रोसेस क्या होगी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको एक लेटर लिखना होगा इस तरह का, देखिए लेटर यहाँ पे लेटर फॉर इंडिविजुअल पर्सन, सबसे पहले आपको डेट टाइप करनी होगी, डेट आपको टाइप करने के बाद नेम, यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम टाइप करना होगा, ठीक है, जिसका नाम से अकाउंट है, आपका क्या नाम है अकाउंट, जिस तरह का आपका अकाउंट बन रखा है, और कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है, बैंक अकाउंट का, ब्रांच का, जो भी है, और फ़ोन नंबर आपको लिखना है, देन उसके बाद नीचे लिखना है टू द मैनेजर और उसके बाद नीचे बैंक का नाम आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आपका बैंक है यूको बैंक या फिर एनी वन जो भी आपका बैंक है, बहुत सारे बैंक है प्राइवेट सरकारी जो भी जिसमें भी आपका अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखकर बैंक की ब्रांच, ब्रांच नेम लिख दीजिए, ब्रांच का लोकेशन लिख दीजिए, जिस जगह पे आपकी ब्रांच नेम है लोकेशन है, ठीक है, वहाँ की, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है बैंक ट्रांसफ़र ऑफ बैंक अकाउंट टू अनदर ब्रांच, कि हमारा अकाउंट है जो हम दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद रेफर्स, यहाँ पे लिखना है सेविंग अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका देखिए अकाउंट यहाँ पे बैंक के अंदर तीन टाइप के होते हैं, आपको भी पता होगा, सेविंग, करंट और एक जो भी है, ठीक है, वो
उसमें आपको देखिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट है आपका तो सेविंग लिख दीजिए, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखकर उसके अकाउंट के नंबर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद डियर सर या डियर मैम जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, आई एम प्रेजेंटली हैविंग सेविंग अकाउंट विदिंग नंबर्स, तो यहाँ पे अपना इस तरह से लिखकर अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिखकर विद योर बैंक सो अनदर ब्रांच, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू हैव रिसेंटली रिलेटेड फॉर सिटी नेम्स अलॉन्ग माई फैमिली ड्यू टू ट्रांसफर माई जॉब। यहाँ पे आप ये रीजन भी लिख सकते हो कि आप मेरी जॉब लग चुकी है, ठीक है, आपकी कहीं जॉब लग जाए और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही पूरी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपके बैंक की जो दूसरी ब्रांच है उसमें हमारा अकाउंट शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि हम इतनी दूर आना नहीं पड़े और मतलब हम वहाँ का वहीं हमारा काम हो जाए, वहीं से हम सारा लेन देन कर सकें बैंक में। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आई वुड बी ऑब्लिज यू कैन प्लीज ट्रांसफर माई अकाउंट मेंटेन विद योर ब्रांच, आप हमारे बैंक अकाउंट को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करने की कृपा करें और यहाँ पे आपका सेम बैंक में बस अनदर ब्रांच में हमारा अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अपोर्चुनिटी चार्ज एंड मे बी काइंडली डेबिट फ्रॉम माई अकाउंट दिस रिगार्ड फॉर ट्रांसफर अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए गाइस अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल्स होता है, ये भी आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे जो अकाउंट आपका ट्रांसफर होता है उसका कई बैंकों में चार्ज भी लगता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जैसे भी अपने, और कोई फ्री में भी करता है, जैसे भी आपके यहाँ पे बैंक का रूल्स है वो आपको बैंक में पता करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम एनक्लोजिंग हेयर विद ए कॉपी लेव लाइसेंस एग्रीमेंट माई करंट रिसेंट फॉर योर रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पर्पज, यहाँ पे आपको जो है कि ये पूरा का पूरा लिख कर उसके बाद काइंडली डू टू नीडफुल यहाँ पे लिखना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली आपको लिख कर सिग्नेचर कर देने हैं आपके, और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का नाम लिख दीजिए जो भी आपका नाम है, ठीक है, और एज अबव यू लिखना है। उसके बाद साइन करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म जो है कि आपको चेक कराना है बैंक में जो भी मैनेजर है या फिर जो भी कर्मचारी बैंक का काम करने वाले उनमें से किसी को आप जो कि चेक करा लीजिए, और उसके बाद आपको जो है कि अकाउंट ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा दूसरी ब्रांच में। एंड यहाँ पे आप ये कंप्यूटर में टाइप करके भी ले जा सकते हैं या फिर आप खुद लिख कर भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे आप लिख कर ले जाएंगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप वहीं बैंक में जाके लिख लीजिए जो भी उनकी पॉलिसी है, जो भी उनके रूल्स है उनसे पूछ लीजिए कि हमारा जो है लेटर हमने लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म है बैंक ट्रांसफर ब्रांच का, तो ये यहाँ पे ये हमारा सही है या गलत है, जो भी गलती होगी वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो आपको लिख कर वहाँ सबमिट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका बैंक ब्रांच अकाउंट जो है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी ब्रांच में, और यहाँ पर जो कि आपको दूसरी बैंक ब्रांच में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके जो चार्जेस है वो कट जाएंगे, जितने भी चार्ज आपका लगेगा 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये ब्रांच ट्रांसफ़र का, ठीक है, वो आपको अपने बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। तो ये छोटी सी प्रोसेस है जो कोई भी कर सकता है, एंड यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है डिटेल में, एंड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते कमेंट करके, और मेरे जो है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, और भी जानकारी आपको चाहिए एनी बैंक से रिलेटेड, सो यहाँ पे सुनील टेक्निकल के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप फॉलो कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।